हेलो स्टूडेंट्स, हमारे कुछ जो है बैक्टीरियल एंड प्रोटोजोन्स डिजीज बच गए थे, उसको अब हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक है न्यूमोनिया, जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज है। कौन सा डिजीज है? बैक्टीरियल डिजीज है, जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया नाम के बैक्टीरिया के कारण से होता है, ठीक है। और इसमें हम इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? एयर बोन जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उसके कारण से हो सकता है। क्रॉनिक फीवर देखने को मिलता है, एंड रिस्पायरेटरी जो हमारा रिस्पायरेशन होता है वहां पे हमको प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है, ठीक है। क्या होता है इसमें? हमारा जो रिस्पायरेशन होता है उसमें हमको प्रॉब्लम आने लगते हैं। इसके सिम्टम्स क्या क्या दिखते हैं? चेस्ट पेन होने लगता है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम आएगा तो चेस्ट में पेन होगा ही, तो चेस्ट पेन होने लगता है, ब्रीदिंग होने लगता है, एब्डोमिनल पेन होने लगता है, ठीक है। तो ये इसके क्या है, कुछ सिम्टम्स हैं। और इससे हम लोग प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? तो एंटीबायोटिक ड्रग्स ले सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ज्यादा सामान जो ठंडा सामान होता है उसको खाने से यदि हम लोग बचेंगे तो इससे हम लोग प्रिवेंशन खुद को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था न्यूमोनिया के बारे में। अब हम लोग देखते हैं प्लेग के बारे में, ठीक है। ये जो होता है, ये होता है येरसेनिया और बैसिलस पेस्टिस के कारण से, ठीक है। ये येरसेनिया या बैसिलस पेस्टी के कारण से होता है प्लेग, जो कि एक बैक्टीरियल डिजीज है। इसमें हमको ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है? तो एक फ्ली होता है जो कि हमारे बॉडी को क्या करता है, बाइट करता है। बाइट करना या फिर एक्सीडेंटली हो जाता है, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उससे हम एक्सीडेंटली टच वगैरह कर जाते हैं तो भी ये क्या होता है, हमारे बॉडी में ट्रांसमिट हो जाता है। और इसमें सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं? तो एक्यूट बॉडी पेन होने लगता है, हमारा जो बॉडी है वो थोड़ा बहुत दुखना शुरू हो जाता है। आंख जो होता है वो रेडिस रेडिस लाल लाल देखने को मिलता है। इंक्रीजिंग बॉडी टेम्परेचर, हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो बॉडी टेम्परेचर अचानक से क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। किसमें? ये प्लेग में, ठीक है। इससे हम लोग बच कैसे सकते हैं? तो प्रॉपर वैक्सीनेशन करवा सकते हैं खुद का, या फिर यूज कर सकते हैं हम लोग सल्फर ड्रग्स एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन का, ये यूज करके भी हम प्लेग को कम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मलेरिया, जो कि एक प्रोटोजोअन्स डिजीज है। कौन सा डिजीज है? प्रोटोजोअन्स डिजीज है, जो कि एक पैरासाइट के कारण से फैलता है, जिसका नाम है प्लास्मोडियम। प्लास्मोडियम एक पैरासाइट है जो कि प्रोटोजोअन्स के कैटेगरी में आता है, ठीक है। और यही कॉज क्या करता है? मलेरिया, ठीक है। और ये जो है ट्रांसमिट किसके कारण से होता है? ये एक फीमेल मॉस्क्यूटोज होती है, उसके बाइट करने से ये ट्रांसमिट होता है। और उसका नाम क्या है? एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो। एनोफ्लीज मॉस्क्यूटो जो कि एक फीमेल मॉस्क्यूटो है, इसके कट करने से, बाइट करने से जो ये जो मलेरिया वाले जो प्रोटोजोअन से वो क्या होता है, हमारे बॉडी में ट्रांसमिट हो जाते हैं और मलेरिया कॉज कर देते हैं। मलेरिया में हम लोगों को सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलता है? देखिए, एनीमिया हो जाता है, मतलब खून की कमी होने लगती है। जॉन्डिस हो जाता है, हमारा आईज वगैरह पीले पीले पड़ने लगते हैं। हेडेक होने लगता है, मस्कुलर एच होने लगता है, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सब जो है डिजीज कुछ कुछ देखने को मिलते हैं। और इससे हम लोग बच कैसे सकते हैं? तो इसमें हम लोग एंटी मलेरियल जो ड्रग्स होते हैं वो हम खा करके मलेरिया से छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिप्थेरिया। ये जो डिप्थेरिया है ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज ही है। डिप्थेरिया भी क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज ही है, जो कि होता है क्रोनी बैक्टीरियम के कारण से, जो कि किससे होता है? क्रोनी बैक्टीरियम के कारण, क्रोनी बैक्टीरियम डिप्थेरियम के कारण से ये होता है, जो कि क्या है, एक बैक्टीरियल है, ठीक है। और ये ट्रांसमिट कैसे होता है? तो ये होता है ड्रॉपलेट स्प्रेड फ्रॉम माउथ एंड नोज ड्यूरिंग टॉकिंग, कॉफिंग एक्सेट्रा। जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके पास जाके हम लोग बात करते हैं तो उसके जो कफ वगैरह होते हैं, उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं स्नीजिंग के, वो क्या होते हैं, वो एयर के थ्रू, हमारे नोज के थ्रू क्या होते हैं, हमारे अंदर आ जाते हैं और ये जो डिप्थेरिया है वो कॉज हो जाता है, ठीक है। और इसके सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलता है? हमको थोड़ा बहुत फीवर आना शुरू होता है, हमारा जो सोर थ्रोट है मतलब गले में खराश होना शुरू होता है, गला फंसना शुरू हो जाता है। इनक्यूबेशन ऑफ डिजीज इज नियरली 3 to 5 days, और ये जो बीमारी है वो लगभग 3 से 5 दिन के अंदर हमको पता चल जाता है, ठीक है। अब इससे हम लोग बच कैसे सकते हैं? तो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको हम लोग बढ़ाने के लिए, इम्यूनाइज करने के लिए
इसका हम लोग वैक्सीन ले सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग एक इंजेक्शन ले सकते हैं एंटीटॉक्सिंग डिप्थेरियम का जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, इंजेक्शन ले सकते हैं। जब हमको ये बीमारी का अपीयरेंस होने लगता है तो 12 से 24 घंटे के अंदर क्या करना होता है, ये जो एंटीटॉक्सिक डिप्थेरिया है ये इंजेक्ट हमको करवाना होता है, तब जाके हम डिप्थेरिया से जो है रिलीफ पा सकते हैं। तो ये थे कुछ बचे हुए बैक्टीरियल एंड प्रोटोजोन्स डिजीज जिसको हमने देख लिया, ठीक है।